Hello, friends. This is Sodamni, and today we are here to discuss the prelims current affairs, prelims specific. So, it's of 22 January 2021 by me and the word motivational course that is the struggle you are in today is developing the strength you need tomorrow so friends whatever you are sacrificing today your sleep your health your not meeting your friends and all these things these are developing a strength you need tomorrow okay so just work hard and टू वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक गुरु गोबिंद सिंह सो वाइट न्यूज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू गुरु गोबिंद सिंह ऑन इज बर्थ एनिवर्सरी अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है तो गुरु गोबिंद सिंह अब आपको उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन क्या ही है तो अब आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है ही वॉज टेंथ सिख गुरु टेंथ सिख गुरु थे वो ही वॉज बॉर्न एड पटना बिहार इंडिया ऑन डिसम्बर ट्वेंटी सिक्स इज बर्थ डे समा फॉल्स एदर इन डिसम्बर और चेन January, और इवन मंथ्स इन सं ग्रेगोरियन कैलेंडर अब यहाँ बात हो रही है कि उनका जन्म पटना बिहार में जो कि इंडिया में है कब हुआ ट्वेंटी टू डिसंबर सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स को अब उनका बर्थडे क्या होता है कभी दिसंबर कभी जनवरी में मान जाता है कैसे और दोनों मंथ में भी इवन क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ओके द अनुअल सेलिब्रेशन ऑफ गुरुज बर्थडेज़ बेस्ड ऑन नानकशशाही कैलेंडर ठीक है साल के हिसाब से अनुअल सेलिब्रेशन जो करते हैं गोविंद सिंह के बर्थडे पे वो कब किया जाता है और नानक शाही कैलेंडर के, के बेसिस पे ओके अब आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में पता होना चाहिए ही बिकेम सिख गुरु एट द एज ऑफ नाइन फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ फादर गुरु तेग बहादुर द नाइन सिख गुरु ठीक है वो सिख गुरु कब बन गए नौ साल की उम्र में ही ठीक है फादर उनके कौन थे गुरु तेग बहादुर द नाइन्थ सिख गुरु जो कि नाइन्थ सिख गुरु है ही इज़ नोन फॉर इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द सिख रिलीजन इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ टर्बन टू कवर हेयर ठीक है उनका कंट्रीब्यूशन सिख रिलीजन में बहुत ज़्यादा माना जाता है और सबसे बड़ी बात ये जो टर्बन हम देखते हैं जो पंजाबीज यूज़ करते हैं सिख यूज़ करते हैं कवर करने के लिए हेयर्स इनका इंट्रोडक्शन भी इन्हीं ने किया था ही ऑल्सो फाउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ खालसा उन खालसा के पन जो खालसा के प्रिंसिपल्स उनको भी इन्हीं ने ही फाउंड किया था फॉलोअर्स ऑफ द सिख फेथ रिलीजियसली फॉलो द मोरल्स एंड कोर्स ऑफ डिसिप्लिन सेटअप बाय गुरु गोविंद सिंह जो भी सिख फेथ के जो फॉलोअर्स होते हैं वो मोरल और जो कोर्स होते हैं डिसिप्लिन जो जो गुरु गोविंद सिंह ने किया है उनको वो फॉलो करते हैं ही फॉट अगेंस्ट द मुगल्स लेटर एंड बैटल ऑफ मुक्तार इन 1705. वो मुगल्स के खिलाफ भी लड़े थे कब बैटल ऑफ मुक्त सर सेवनटीन जीरो फाइव में बहादुर शाह इन्वाइटेड गुरु गोबिंद सिंह विद इज आर्मी टू मीट हिम इन अ पर्सन इन डेकन रीजन ऑफ इंडिया ठीक है अब बहादुर शाह ने इनवाइट किया था गुरु गोबिंद सिंह जी को अपनी आर्मी के साथ क्या मिली उनसे डेकन रीजन में ही वॉज असेशिनेटेड इन सेवनटीन जीरो एट पर उनका एसेशिनेशन हुआ सेवनटीन जीरो एट में ही नेम्ड गुरु ग्रंथ साहब द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ़ खालसास एंड सिख एज द नेक्स्ट गुरु ऑफ़ द टू कम्युनिटीज़ उनने गुरु ग्रंथ साहिब को नेम दिया द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ़ द खालस खालस और सिख के रिलीजियस टेक्सट एज़ द नेक्स्ट गुरु ऑफ़ टू कम्युनिटीज़ और जो दो कम्युनिटीज़ के गुरु खालसा टू बी प्योर टू बी क्लियर टू बी फ्री फ्राम refers to बोर्ट community that considers Sikhism as a faith as well as special group of इनिशियट Sikh ठीक है खालसा क्या होता है कि बहुत ही प्योर बहुत ही साफ तो फ्री रहना ठीक है आज़ाद रहना refer टू both कम्युनिटी दोनों कम्युनिटी के लिए एक तो उनके लिए जो सिख फेथ को विश्वास करते दूसरा जो स्पेशल ग्रुप थे ना जो सिक ने स्टार्ट किए थे इनिशिएट किया था उनके लिए भी ये लिटरेरी अब लिटरेरी के बारे में आपको पता है तो हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस इंक्लूड जाप साहिब बेंटी चौपाई अमृत सवाई एसेट्रा अब लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ने क्या क्या लिखा उसके बारे में है तो जाप साहिब ध्यान दीजिएगा बेंटी चौपाई अमृत सवाई एक्सेट्रा तो इसको आपको एलिमिनेशन में हेल्प यूजा जाता है बहुत बार ये नाम्स आपको हमारे ये नेम्स क्या कर सकते गुरु नानक देव जी के साथ ऐड करके दे सकते हैं तो वहाँ पे अपन को बताना पड़ेगा तो ये आप याद रखेंगे तो एटलीस्ट एलिमिनेशन में तो आपको हेल्प होगा एंड फॉर डी नॉलेज यू नो ही ऑल्सो रोट द जफ़रनामा विच वॉज़ लेटर टू द मुग़ल एम्प्रर औरंगज़ज़ेब उन्हें जफर नामा भी लिखा था वो क्या आता है एक लेटर था किसके लिए मुग़ल एम्प्रर औरंगज़ेब के लिए सो दी नेक्स्ट टॉपिक इज़ बानदीपुर टाइगर रिजर्व आ स्ट्रेंडेड वाइल्ड एलिफेंट विथ हिज लेग एंड टेंगल्ड इन फिशिंग नेट्स व रेस्क्यूड इन नू रिज़र्वायर क्लोज टू बंडीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटिका आज हम बंडीपुर टाइगर रिजर्व क्यों पर रहें क्योंकि जो स्ट्रेंडेड वाइल्ड एलिफेंट था ठीक है फंसा हुआ मतलब होता है किसी भी चीज़ में फंसना ठीक है तो टू स्ट्रैंडेड वाइल्ड एलिफेंट जो था फंसा हुआ था तो उसके पाँव किस में फंसे थे एंड एंडल जो फिशिंग नेट होता है ना उसमें वो फंस गया था अब उसको रेस्क्यू किया बचाया गया कहाँ नगू रिज़र्वायर नगू रिजर्वायर, रिजर्वायर कहाँ पर है बांडीपुर टाइगर रिज़र्व के पास और ता, बांदीपुर टाइगर रिजर्व का है कर्नाटका में सो so, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए लोकेशन टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन टू कंटीज डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मैसूर एंड चमर नगर ऑफ़ कर्नाटका मैसूर एंड चमर राजनगर ऑफ़ कर्नाटका ठीक है इट इज़ लोकेटेड ट्राई जंक्शन एरिया वो ट्राई जंक्शन एरिया पे किस किस के बीच में कर्नाटका तमिलनाडु एंड केरल स्टेटस अब क्या है 1974 में बांदीपुर टाइगर रिजर्व वॉज इस्टेब्लिश वन ऑफ द फर्स्ट नाइन टाइगर रिजर्व 1974 में बांदीपुर टाइगर रिज़र्व को फर्स्ट फर्स्ट ऑफ़ द नाइन टाइगर रिज़र्व बना दिया कि इसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपको इंफॉर्मेशन इन 1985 बाय इंक्लूडिंग एडजेसेंट एरियाज इट वाज एंड एंड नेम इज़ बान्डीपुर नेशनल पार्क अब 1985 में क्या हुआ जो आसपास के एडजेंट मतलब जो आसपास के जो एरियाज होते हैं उसको और बड़ा दिया गया एंड कर दिया और उसको बानदीपुर नेशनल पार्क नेम रख दिया गया रिवर्स द पार्क इज सिचुएटेड बिटवीन काबिनी रिवर इन नॉर्थ एंड मोयर रिवर इन द साउथ जो पार्क है तो नॉर्थ में कौन सी रिवर है काबिनी रिवर ठीक है काबिनी रिवर नॉर्थ में एंड मोयर रिवर इन द साउथ द निगू रिवर रन थ्रू द पार्क जो निगू रिजर्व आए तो निगू वहाँ पे रिवर वो उसके पास से गुजरती है पांडीपुर टाइगर रिजर्व इज सराउंडेड बाय किस चीज से सराउंडेड नागरोल टाइगर रिजर्व ठीक है नागरोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में ओके okay, नेक्स्ट काबिनी सेपरेट नहीं उसको सेपरेट करती है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में ठीक है उस साउथ में एंड वायनाइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट यू ऑलरेडी नो इन केरल इन द साउथ वेस्ट ये जो बायोडावर्सिटी है एंडो रिच फ्लोरल बहुत तो से फ्लावर्स फ्लोरल uh, वहाँ पे है फ्लोरल है फोनल डाइवर्सिटीज़ हैं रिकोगनाइड एज वन ऑफ़ द मेगा बायोडा वो मेगा बहुत सो बायोडाइवर्सिटीज़ एरियाज माना गया है कंट्री का द बडीपुर अलॉन्ग विथ नागरहोल मुडोमिलाई सत्यमंगलम वायनाड कंस्टिट्यूट सिंगल लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड अब क्या है जो बांडीपुर अलॉन्ग उसके साथ साथ नागरहोल मडोमिलाई सत्यमंगलम वायनाड वायन कॉन्स्टिट्यूट ये सब क्या बन गए एक लार्ज एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड इज पार्ट ऑफ द माइसूर एलिफेंट रिजर्व जो लैंडस्केप है ये घर किसके लिए सिंगल लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट का घर माना जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में एंड इन दार्ट ऑफ मायसूर एलिफेंट रिजर्व ओके नाउ अब आपको जब एलिफेंट की बात हुई है तो यू मस्ट नो अबाउट एशियन एलिफेंट्स अब एशियन एलिफेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं सब स्पीसीज दे आर आर थ्री सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट डेट इज़ इंडियन सुमार्ट एंड श्रीलंकन एशियन एलिफेंट्स की तीन स्पीसीज़ पाई जाती है पहला इंडियन दूसरा सुमात्रन तीसरा श्रीलंकन अब प्रोटेक्शन स्टेटस क्या इसका है इसका ठीक race है आई यू सी एन रिस्ट लिस्ट एंडेंजर्ड, डेंजर्ड आई यू सी एन में रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है डब्ल्यू पी ए शेड्यूल वन कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं गज यात्रा मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट मतलब मॉनीटर करेंगे इलीगल किलिंग तो नहीं हो रही एलिफेंट्स की डैट कॉल माइक द क्वेश्चन कैन कम माइक इज रिलेटेड टू सो मॉनिटरिंग द इ्लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोजेक्ट एलिफेंट दिस इज यू कैन सी सो नेक्स्ट इज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द वोव्स कर्नाटका फर्स्ट वोल्फ सेंचुरी में कम अप इन कोप्पल ठीक है पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है वो भी वोव्स के लिए कर्नाटका फर्स्ट वाइल्ड लाइफ वोल्फ सेंचुरी बना रहा है ठीक है कोप्पल में इट इज़ प्रपोज इन द ड्राई लैंड ऑफ बनकापुर इन कोप्पल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कल्याण कर्नाटका रीजन कहाँ पे बोला गया जो ड्राई लैंड एरिया होता है ना सूखा एरिया होता है बनकापुर में तो बनकापुर कहाँ पे कोप्पल डिस्ट्रिक्ट अब कोप्पल कहाँ पर कल्याण कर्नाटक का रीज़न तो आपको तैयार रखना है कि कहाँ पे हो रहा है कर्नाटक और ज़्यादा ज़्यादा डिटेल तो कोपाल ओके द प्रपोज सेंचुरी इज गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नॉट ओनली वर्ल्फ बट आल्सो स्ट्राइपेड हाइना इंडियन फॉक्स गोल्ड फॉक्स एंड अदर एनिमल्स ये जो तो सेंचुरी है ये अच्छी से वॉल्फ के लिए नहीं है स्ट्राइपेड आइना के लिए हाइना इंडियन फॉक्स गोल्ड फॉक्स और बाकी एनिमल्स के लिए भी दर्फ नेक्स्ट एक्सरसाइज कवच यू मस्ट नो वट एक्सरसाइज कवच एक्सरसाइज कवच क्या यू पी कवच एक्सरसाइज से पूछ सकते हैं एक्सरसाइजेस तो नॉर्मली पूछता है यू ठीक है डिस इंपॉर्टेंट इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग एस एस ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ठीक है अब क्या बात हो रही है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन कमिंग वीक अंडर द एजिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड किसके अंदर में हो रहा अंडमान निकोबार कमांड एंड द ओनली जॉइंट फोर्सेज कमांड ऑफ़ द कंट्री जो जॉइंट फोर्सेज कमांड है कंट्री के द ट्रायल सर्विस इज एक्सरसाइज एम टू फाइन ट्यून ज्वाइंट वार फिटिंग फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ एंड एस ओ एफ टू वर्स एनहेंसिंग ऑपरेशनस इनर्जी जो ट्रायल सर्विस ये हो रही है एक्सरसाइज ये क्या करेगी कि फाइन ट्यून करेगी ज्वाइंट वार फिटिंग फाइटिंग कैपेसिटी में लड़ने की कैपेबिलिटीज़ को एस ओ पी टू वर्स किसके एनहेंस ऑपरेशनल्स एनर्जी के लिए द एम ऑफ द एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज का एम है क्या इसका मकसद है तो हारमोनाइज द ड्रिल्स एंड प्रोसीजर ऑफ बोट आर्मी एंड पुलिस पुलिस और आर्मी के बीच में हारमोनाइज करना उनकी प्रोसीजर्स को ओके okay? पार्टिसिपेंट्स कौन कॉन इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट यू कैन हैव अ रीडिंग क्विक रिएक्शन टीम्स डॉग स्क्वैड्स बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स ऑफ आर्मी एंटी टेरर स्क्वेड क्विक रिएक्शन टीम ऑफ महाराष्ट्र पुलिस ओके अब सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सरसाइज कवच क्या इंपॉर्टेंट है इसमें डज क्यू इंपॉर्टेंस है यू कैन से लाइक दिस द ज्वाइंट फोर्स वुड एग्जीक्यूट मल्टीडोम हाई इंटेंसिटी ऑफेंसिव डिफेंसिव मैन्यवर्स इन द अंडामान सी एंड वे ऑफ बंगाल ठीक है ये ज्वाइंट फोर्स हैं मल्टीडोमेन का हाई इंटेंसिटी ऑफेंसिव डिफेंसिव ये सब चीज़ अंडामान सी एंड वे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज विल कैरी आउट एम्पीबियस लैंडिंग ऑपरेशन एम्पीबियस एम्बीबियस लैंडिंग ऑपरेशन होंगे एयर लैंडेड ऑपरेशन हेलीकॉप्टर बॉन इन्जर्शन स्पेशल फोर्स सी कलमिनेटिंग टेक्टिकल फॉलो ऑपरेशन ऑनलाइन द ट्राइज सर्विस एक्सरसाइज एम टू फाइन ट्यून क्या करेंगे करेंगे फाइन ट्यून करेंगे ज्वाइंट वार फीटिंग की मिलके के लड़ेंगे कैपेबिलिटीज एंड एसओपी ओ पी ऑपरेशनल सिनर्जी सिनर्जी के लिए ओके दिस इज एक्सरसाइज का वच नेक्स्ट क्विक फैक्ट्स ये हल्के से बस फैक्ट्स मैंने थोड़े से ऐड कर दिए पाकिस्तान ने टेस्ट फायर किया शहीन ट्री में तो सक्सेसफुली गोवा चीफ मिनिस्टर ने एक बुक रिलीज़ की है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर ने इनाग्रेट्स किया फ़र्स्ट खेलो इंडिया जन्स का विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक्स फॉर्मर अरुणाचल गवर्नर जो माता प्रसाद है शीडाइज एंड राजस्थान कांग्रेस एम गजेंद्र सिंह शेखावट पास है ओके नाउ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट पहली वुमेन फाइटर पायलट क्या नाम है उसका भावना कांत फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड वो रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लेंगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना भावना कांत इज सेट टू बिकम फर्स्ट वुमेन फाइटर वो पहली वुमेन फाइटर है कि इसमें पार्ट लेगी रिपब्लिक डे में कांत इज़ पोस्टेड इन एयरबेस राजस्थान वेयर शी फ्लाइज इन एम आई बाइज इन फाइटर प्लेन जो कांत उनका अभी पोस्टिंग कहाँ पर एयरबेस राजस्थान में है जिन्हें एम आई टी ट्वेंटी वन में ट्वेंटी वन बाइसन फाइटर प्लेन को फ्लाई किया था शी विल बी द पार्ट ऑफ द इंडियन एयर फोर्स आई ए एफ की पार्ट होंगी इन द परेड फोर इंडिजीनियस मटेरियल जो इसमें मतलब फोर मार्शल आर्ट है ठीक है तो उनको किसमें इंक्लूड किया गया खेलो इंडिया में तो अब क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है खेलो इंडिया में अभी अंडर सेवेंटीन ईयर्स और अंडर ट्वेंटी वन ईयर्स ठीक है अनुअली होता है बेस्ट परफॉर्मर्स एनुअल स्कॉलरशिप पाँच लाख की स्कॉलरशिप मिलती आठ सालों के लिए तो ऑर्स इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स अब क्या हुआ रिसेंट मूव स्पोर्ट मिनिस्ट्री इंडक्टेड फोर इंडिजिनस मार्शल आर्ट फॉर्म अभी क्या हुआ है रिसेंटली स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने चार मार्शल आर्ट फॉर्म को ऐड कर दिया गया पहला कलारी पेयर टू ऑफ केरला मलखम ऑफ सेंट्रल इंडिया कलारी पय टू केरला की मल सेंट्रल इंडिया की गटका ऑफ पंजाब गटका पंजाब का थंगट ऑफ मनीपुर इन टू खेलो इंडिया यूट गेम के आई वाई ओके नाउ यू मस्ट नो बट मलकम मलकम क्या होता है अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जिमनास्टिक परफॉर्म विद अ वुडन पोल ट्रेडिशनल फॉर्म है जिम करने का जो वुडन पोल लकड़ी के पोल से किया जाता है मेड ऑफ द वुड फ्रॉम शीशम उसकी लकड़ी शीशम से बनेगी और इंडियन रोज वुड इंडियन रोज वुड पॉलिस विद कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल से अकेन और अ रोप अब इतना तो नहीं आता है डिटेल में फिर भी दो मध्य प्रदेश डिक्लेयर मलकम द स्टेट स्पोर्ट अब जैसे कि मध्य प्रदेश ने मलकम को स्टेट स्पोर्ट कर दिया है कब ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी थर्टी ने अभी अभी किया है इट हैड बीन डेवलप कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट लेकिन ये कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट कब से बना नाइनटीन एट्टी वन से विद रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप डैट ईयर उस टाइम पहली नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी ठीक थी, है दिस इज मलका देखिए ओके okay. नेक्स्ट गटका गटका क्या होता है इट इज़ अ स्टाइल ऑफ फाइटिंग विद अ वुडन स्टेक डेट ओरिजिनेटेड इन पंजाब इन फिफ्टीन सेंचुरी ये स्टाइल मतलब फाइटिंग uh, करने का एक तरीका है लड़ाई करने का वुडन स्टिक लकड़ी की स्टिक से जो कि पंजाब में फिफ्टीन सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था दबाना एंड छोला आर वन फॉर रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस डबाना एंड छोला आर वन फॉर रिचुअलिस्टिक उसके लिए रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस की जाती बट वैन परफॉर्मेट टो तो। फिर क्या हुआ इसको स्पोर्ट्स की तरह करने लगे द प्रैक्टिशनर्स बियर्स ट्रैक पैंस वो जो परफॉर्म करते वो ट्रैक पैंट्स पहनते एं शर्ट एंड स्टिक इज़ नो लॉन्गर द साइज ऑफ मैन सी ये देखिए पिकअप स्टिक का साइज और इनका अप ओके नेक्स्ट थंगता थंगता कहाँ का है इट्स इन मनी फॉर्म आर्ट फॉर्म ये मणिपुरी का है ओके इट कम्बाइंस रिचुअल डिमॉन्सट्रेशन एंड कॉम्बेट एन वेराइटी ऑफ डांस फॉर्म एंड वेरियल ड्रेस ये मणिपुर का है? ये देखिए इसमें वेरियर्स इन्वॉल्व डांस फॉर्म सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है नेक्स्ट इज कलाइडी पैर टू ओके इट्स आ मार्शल आर्ट दैट्स टायर फ्रॉम केला ड्यूरिंग थर्ड सेंचुरी बीसी टू सेकेंड सेंचुरी ये मार्शल आर्ट है केरल का ठीक है सेकेंड सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी बीसी के टाइम पे हुआ था स्टार्ट ओरिजिनेट द वर्ल्ड कलारी फर्स्टर इन संगम लिटरेचर जो कलारी वर्ड है सबसे पहले संगम लिटरेचर में तो उसका मतलब क्या होता है वोट अ बैटल फील एंड कॉम्बेंट एन एना ठीक है बैटल फील के इट इज आल्सो कंसिडर टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन एग्जिस्टेंस ये बहुत ही पुराना फाइटिंग सिस्टम है जो अभी तक चल रहा है ओके okay? कोनाक टेम्पल ब्यूटिफिकेशन अभी क्या हुआ है न्यूज़ में कि ओडिशा गवर्नमेंट फाइनलाइजेज ड्राफ्ट फॉर प्लान फॉर कोनाक टेम्पल ब्यूटिफिकेशन तो अभी उन क्या क्या फाइनलाइज कर दिया है, जो राफ्ट प्लान बना था कोनाक टेम्पल के ब्यूटीफिकेशन के लिए ओके ओडिशा गवर्नमेंट ऑन जनवरी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन जनवरी को ट्वेंटी ट्वेंटी वन को अनाउंस किया कि हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंदर लेंगे ब्यूटीफिकेशन करेंगे फॉर फेमस कोनाक सन टेम्पल का डेवलपमेंट करेंगे तो नेक्स्ट द टेम्पल वॉज डिक्लेयर अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब टेम्पल तो यूनेस्को एन की डिक्लेयर हो गया था नाइनटीन एटी फोर में द स्टेट हैज़ प्रिपेयर द डाफ्ट उन्होंने ड्राफ्ट बनाया टू अपग्रेड द टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना टेम्पल का

उड़ीसा नियर सैक्रेड सिटी ऑफ पुरी पुरी में ईस्ट उड़ीसा टाइप बिल्ट इन थर्टीन सेंचुरी बाई किंग नरसिंह देव थर्टीन सेंचुरी में बने नरसिंह देव के टाइम पे ट्वेल्व थर्टी एट टू ट्वेल्व सिक्सटी फोर रिफाइनमेंट कॉन्सेप्शन रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ गंगा एम्पायर जो भी उसकी स्टेबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ इससे क्या पता चलता है कि गंगा एम्पायर के वैल्यू सिस्टम हिस्टोरिक ये सब पता चलता है द टेम्पल इज डिजाइंड इन द शेप ऑफ कॉलोजल चैरिएट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड ऐसे बनाया चैरियट रथ की तरह की वो सन गॉड को डेडिकेट कर रहा है इन दिस सेंस इट इज डायरेक्टली लिंक टू जम एंड टेंट्रिक बिलीव ये किससे लिंक है ब्राह्मण से और टेंट्रिक तंत्र विद्या से ओके वाइडली नोन नॉट ओनली फॉर दिस आर्किटेक्चर ग्रैंड बट आल्सो फॉर एंट्रीकेशन एंड प्रोविशन वर्क ठीक है इन सब के लिए जाना जाता है इट मार्क्स हाइस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ कलिंगा इससे पता चलता है कि कलिंगा के अचीवमेंट के बारे में आर्किटेक्चर डिपिक्टिंग द ग्रेस ग्रेस जॉय रिदम ऑफ लाइफ सब चीज़ से पता चलता है यूनेस्को हाइटेडीन एट्टी फोर दे आर टू रोज ऑफ ट्वेल्व दो रू होती है ठीक है ट्वेल्व वीज के ऑन ईस्ट साइड दोनों साइड पे कोनाक संघ टेम्पल सम सेड ऑफ वील्स रिप्रेजेंट ट्वेंटी अपडे देखो ट्वेल्व जो ट्वेल्व वीर्स का है ना तो ट्वेंटी फोर आवर्स एक दिन में वो बता रहा है ट्वेंटी फोर का ठीक है ट्वेल्व ट्वेल्व और अडर्स बोलते हैं कि ट्वेल्व मंथ शो कर रहा है मतलब इट्स लाइक कि ट्वेल्व वीक्स से ट्वेल्व मंथ शो कर रहा है इसको आप ऐसे लीजिए द सेवन हॉर्सेज आर सेट साइड सो सेवन हॉर्स सात घोड़े बने हुए तो उसका क्या है कि सेवन डेज वीक का रिप्रेजेंट कर रहा है सेलर्स वन कॉल्स वन टेम्पल्स इसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है कि उन्हें शिप्स टैक्स की वजह से थैंक यू ऑल द बेस्ट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो ऑल द बेस्ट एंड यू कैन डू इट